अब हम अपने मेहमानान की तरफ चल रहे हैं और अब मैं जिन साहब को दावत दूंगा, दावत सफन दूंगा, उनका चयन जो मैंने अभी बताया कि उनकी ज़मीन के बराबर वाली ज़मीन में मैंने गज़ल कही थी, उसी गज़ल का मतले से मैं उनको दावत दूंगा। ज्ञान भाई ने कहा कि जब भोपाल गए थे तो भोपाल में बज़्म उर्दू का प्रोग्राम उन्होंने बहुत अपने दिल जान से किया और वापस आने के बाद यहाँ पर भोपाल के चर्चे भी खूब हुए और अब भी होते हैं। उनका मतला, सुनो नौजवान जब जवानी में हम थे, सुनो नौजवान जब जवानी में हम थे, मुसलसल हवा आग पानी में हम थे। जनाब विजय तिवारी साहब, गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ लाएँ और अपनी कलाम से नवाजें। और एक गुजारिश और भी है, शायद आप लोगों को मालूम ना हो कि विजय भाई तरन्नुम से भी पढ़ते हैं, अगर आप लोग चाहें तो उनसे तरन्नुम से पढ़वा सकते हैं। आप सबको आदाब अर्ज करता हूँ। नात शरीफ के लिए हुक्म दिया है, पहले चार मिसले नात को। शरीयतों का बहुत एतराफ करते हैं मगर ये बात बहुत साफ साफ करते हैं। डॉक्टर साहब, शरीयतों का बहुत एतराफ करते हैं मगर ये बात बहुत साफ साफ करते हैं, हमें नहीं है ज़रूरत किसी इजाज़त की, हमारे जिस्म नहीं दिल तवाफ करते हैं। ये पेश करता हूँ। शरीयतों का बहुत एतराफ करते हैं मगर ये बात बहुत साफ साफ करते हैं, हमें नहीं है ज़रूरत किसी इजाज़त की, हमारे जिस्म नहीं दिल तवाफ करते हैं, हमारे जिस्म नहीं दिल तवाफ करते। मुकम्मल नात है आपके हुक्म की तामील में। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे? आपके जलवों ने आका इतना मायल कर दिया, आपके जलवों ने आका इतना मायल कर दिया, आपके तड़पने जीना मुश्किल कर दिया, रब के कुरान की ज़बान बन कर मेरे सरकार ने, रब के कुरान की ज़बान बन कर मेरे सरकार ने, दुनिया भर के काफिरों को रब के काबिल कर दिया, रब के कुरान की जुबान बंद कर मेरे सरकार ने, आपके जलवों ने आका इतना मायल कर दिया। हुजूर के रोज़े का तसव्वुर, मैं गया तो नहीं लेकिन ख्याल है कि ऐसे ही बताऊंगा। सामने रोज़े की जाली और मेरा सामने रोजे की जाली और मेरा इज़ तेरा, इस जरा से पास
शेर आगे समाप्त करें बतौर इतिहास आप तक भेजना चाहूँगा। आपके जलवों ने आका इतना मायल कर दिया, आपकी पाकीज़गी की और क्या होगी मिसाल, आपकी पाकीज़गी की और क्या मैं दूं दलील, आपकी पाकीज़गी की और क्या होगी मिसाल। आप पर अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया, आपकी पाकीज़गी की और क्या होगी मिसाल। आप पर अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया, आपके जलवों ने आका इतना मायल कर दिया। मक्ता समाप्त। आपने देखे इस काफिर विजय को नात गोई का शव, एक चिराग़े बेज़िया को नूर महफ़िल कर दिया, आपने देकर विजय को नात गोई का शव, देखे अपने इस विजय को नात गोई का शव, एक चराले बेजिया को नूर महफिल कर दिया, इतना मायल कर दिया, आपके दर की तड़प ने जीना मुश्किल कर दिया। बहुत शुक्रिया आपको। मैं शेरी सवाल शुरू करता हूँ। मुजफ्फर अली का शायर अभी दो तीन पहले जी, आपकी पाकीज़गी की और क्या होगी मिसाल, आप पर अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया। बहुत शुक्रिया। मैं शेरी सफर शुरू करता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ। कुछ मुताफरी का ख्याल इससे ज्यादा क्या कहें दीवानगी का हाल, इससे ज्यादा क्या कहें दीवानगी का हाल, तेरा ख्याल आया तो खुद से बिछड़ गए। इससे ज्यादा क्या कहे दीवानगी का हाल, तेरा ख्याल आया तो खुद से बिछड़ गए। एक शेर डॉक्टर वासी साहब के पसंद का, एक शेर आपके पसंद का सुनाना चाहता हूँ, जरूर साहब सुनिएगा। कल आपने याद दिलाया था। शेर यह है कि किसी की याद में खोए तो इस कदर खोए,
किसी की याद में खोए तो इस कदर खोए कि किसकी याद में खोए थे ये भी याद। मैं पेश करता किसी की याद में खोए तो इस कदर खोए कि किसकी याद में खोए थे ये भी याद। एक शेर और याद आ रहा है कि तेरा वो जीत के मुझसे लिपट जाना। रेहान भाई, तेरा वो जीत के मुझसे लिपट जाना, कसम खुदा की मुझे उम्र भर हराएगा। कसम खुदा की मुझे उम्र भर हराएगा। शेर अट्टावासी साहब की सब पंडित जी वाला थे, जगह आपने बताया था जो मतलब सुनिए उसका। माजी के हैं के हाल के आंसू बताना क्या। माजी के हैं के हाल के आंसू बताना क्या, तासीर गम वही है नया क्या पुराना क्या। माजी के है के हाल के आंसू बताना क्या, माजी के है के हाल के आंसू बताना क्या, तासीरे गम वही है नया क्या पुराना क्या। और बड़ा मशहूर शेर है कि राइस शराब पीने से मस्जिद में बैठकर या वो जगह बताएंगे जहाँ तो इस्तेमादा या तासीरे गम वही है नया क्या पुराना क्या, पंडित जी पीने दीजिए मंदिर में बैठकर। मिसरे सानी तरफ जाइए तो बहुत आसान है, कोई भी कह लेगा मैंने भी कह लिया। तासीरे गम वही है माजी के हैं के हाल के आंसू बताना क्या, तासीरे गम वही है नया क्या पुराना क्या, पंडित जी पीने दीजिए मंदिर में बैठकर, रब से नहीं छुपा तो बुतों से छुपाना क्या। माजी के हैं के हाल के आंसू बताना क्या, तासीरे गम वही है नया क्या पुराना क्या, पंडित जी पीने दीजिए मंदिर में बैठकर, रब से नहीं छुपा तो बुतों से छुपाना है, रब से नहीं छुपा तो बस। में उर्दू की मुलाकात जो मलियाबादी साहब की याद के ज़ेर एहतमाम हुई तो उनके साथ के जो अब लोग हमारे बीच में नहीं है अजदाद के साहिद अदब के लोगों के नाम चार से सुनाना चाहता हूँ। इल्मो अदब के सारे खजाने गुजर गए, क्या खूब थे वो लोग पुराने गुजर गए। इल्मो अदब के सारे खजाने गुजर गए, क्या खूब थे वो लोग पुराने गुजर गए, बाकी है अब जमीन पे फकत आदमी की भीड़, इंसान मरे हुए तो जमाने गुजर गए। इल्मो अदब के सारे खजाने गुजर गए, क्या खूब थे वो लोग पुराने गुजर गए, बाकी है अब जमीन पे फकत आदमी की भीड़, इंसान मरे हुए तो जमाने। और कुछ अच्छा सुनाओ आप। गजल का मतलब ये है कि
जब तक ये शोहरतें ये बुलंदी मिली न थी, जब तक ये शोहरतें ये बुलंदी मिली न थी, अपनी कभी किसी से कोई दुश्मनी न थी। शुक्रिया। जब तक ये शोहरतें ये बुलंदी मिली न थी, अपनी कभी किसी से कोई दुश्मनी न थी, अपनी कभी किसी से कोई दुश्मनी न थी, तुर्बत पे आके रोए कई लोग तो लगा। जब तक ये शोहरतें ये बुलंदी मिली न थी, अपनी कभी किसी से कोई दुश्मनी न थी, तुर्बत पे आके रोए कई लोग तो लगा, दुनिया बुरी तो थी मगर इतनी बुरी। तुर्बत पे आके रोए कहीं लोग तो, तुर्बत पे आके रोए कहीं लोग तो लगा, तुर्बत पे आके रोए कहीं लोग तो लगा, दुनिया बुरी तो थी मगर इतनी बुरी न। जितना सुकून ख्वाब में मरकर मिला मुझे, जितना सुकून ख्वाब में मरकर मिला मुझे, इतने सुकून में तो कभी जिंदगी न थी। जितना सुकून, बहुत शुक्रिया, जितना सुकून ख्वाब में मरकर मिला मुझे, इतने सुकून में तो कभी जिंदगी न थी। शेर आखिरी, सच बोल कर मरा है वो झूठों के दरमियान, ऐसे ही नई साधन के बीच में सुनाने का मज़ा अलग है कि जो पहले दूसरे कोई ढंग से पी लें कि सच बोल कर मरा है वो झूठों के दरमियाँ, और आप कह रहे हैं कि ये खुदकुशी नहीं। सच बोल कर मरा है वो झूठों के दरमियान, सच बोल कर मरा है वो झूठों के दरमियान, और आप कह रहे हैं कि ये खुदकुशी, आप कह रहे हैं कि ये खुदकुशी न थी। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मूड बना दिया है आपने, अभी मक्ता समाप्त करें। सच बोल कर मरा है वो झूठों के दरमियान, और आप कह रहे हैं कि ये खुदकुशी न थी। है इतने है इतने से फर्क पे है विजय जिंदगी से मौत, इतने से फर्क पे है विजय जिंदगी से मौत, सीने में एक सांस अभी थी अभी नहीं। है इतने फासले पे विजय जिंदगी से मौत, है इतने फासले पे विजय जिंदगी से मौत, सीने में एक सांस अभी थी अभी न थी। जब तक ये शोहरतें ये बुलंदी मिली न थी, अपनी कभी किसी से कोई दुश्मनी न थी। एक एक गजल और जो है मूड बढ़ गया है, कहता हूँ कि मतलब ये है, मोहब्बत में वफा करना किसी से मशवरा भी, ये नौजवान नए जुड़े हैं बस में उठ से तो ये समझ लें, नहीं मशवरा मुझसे सानी में है इसमें नहीं। मोहब्बत में वफा करना किसी से, यही है खुदकुशी राजी खुशी से। मोहब्बत में वफा करना किसी से, यही है खुदकुशी राजी खुशी से। जरा बचना ये मीठा बोलता है, मैंने अपने आगे किसी बड़े नेता के नाम कहा है जो बात बात पे मित्रों बोलता है। जरा बचना ये मीठा बोलता है, दगा देगा बड़ी शाइस्तगी से। बहुत
जरा बचना ये मीठा बोलता बहुत शुक्रिया। दगा देगा बड़ी शाइस्तगी से शेर सुनिए डॉक्टर साहब की, मेरी पलके महकने लग गई है, मेरी पलके महकने लग गई हैं, कोई गुजरा है ख्वाबों की गली से, मेरी पलके महकने लग गई हैं, कोई गुजरा है ख्वाबों की गली से, कोई गुजरा है ख्वाबों की गली से, बतौर खास ये शेर, कोई गुजरा है ख्वाबों की गली से, ये मेरी बद्दुआ है बेवफा जा, ये मेरी बद्दुआ है बेवफा जा, तुझे भी इश्क हो जाए किसी से। मांगता ये कि खुदा कैसे नहीं मिलता मिलेगा, खुदा कैसे नहीं मिलता मिलेगा, इबादत कर भी गए दीवानगी से, इबादत कर भी गए दीवानगी। उसके पहले एक गजल पढ़ दूँ फिर आपके, वो तरन्नुम में थोड़ा सा पढ़ने का है, बड़ा मुश्किल काम है। ये गजल सुन लीजिए कि दुनिया की ख्वाब अपने बदन पर लिए हुए, दुनिया की ख्वाब अपने बदन पर लिए हुए, खाना बदोश फिरते हैं लश्कर लिए, दुनिया की खाक अपने बदन पर लिए हुए, खाना बदोश फिरते हैं लश्कर लिए हुए, दो अश्क में ही तुमने फसाने बना लिए, दो अश्क में ही तुमने फसाने बना लिए, हम चुप हैं आंसुओं के समंदर लिए, दो अश्क में ही तुमने फसाने बना लिए, हम चुप हैं आंसुओं के समंदर लिए हुए, तौबा के बाद होता तौबा के बाद वो भी मयस्सर नहीं हमें, तौबा के बाद वो भी मयस्सर नहीं हमें, चलते थे दाएं बाएं जो सारर लिए हुए, तौबा के बाद वो भी मयस्सर नहीं हमें, चलते थे दाएं बाएं जो सागर लिए हुए, अपनी अना से पहले जमीनों में झांकिए, अपनी अना से पहले जमीनों में झांकिए, सोई है जाने कितने सिकंदर लिए हुए, अपनी अना से पहले जमीनों में झांकिए, कोई है जाने कितने सिकंदर लिए हुए, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अपनी अना से पहले जमीनों में झांकिए, कोई है जाने कितने सिकंदर लिए, हालांकि मक्ता आ गया लेकिन एक शेर जो मैंने जो कल के पसमंजर में आपको सुनाना चाहता हूँ, बाकी बताने की जरूरत नहीं है। सारे मुशायरों में वही चार छः बशर, सारे मुशायरों में वही चार छः बशर, फिरते हैं अपने अपने कबूतर लिए हुए, सारे मुशायरों में वही चार छः बशर, फिरते हैं अपने अपने कबूतर लिए हुए, फिरते हैं सारे मुशायर, सब लब्बैक कीजिए मेरे साथ, सारे मुशायरों में वही चार छः बशर, मिलते हैं अपने अपने कबूतर लिए, सारे मुशायरों में वही चार छः बशर, मिलते हैं अपने अपने कबूतर लिए हुए, हक बात पर विजय ने कहा साथियों चलो, हक बात पर विजय ने कहा साथियों चलो, जहनों में करबला के 72 लिए, दुनिया की खाक अपने बदन पर लिए, और बहुत मैंने पढ़ लिया है, आपके खुश करता हूँ, जो है तरन्नुम पे ध्यान न दी जाए, गजल के जो है शेर आखिर के लिए कुछ शेर सुनाना चाहता हूँ आपके हुक्म से। मुसलसल हवा आग पानी में
हम थे मुसलसल हवा आग पानी में हम थे सुनो नौजवान जब जवानी में हम थे मुसलसल हवा। बाकी शेरों को भी आपकी जरूरत पड़ेगी मुझे। अगर से कई नाम लेती है दुनिया अगर से कई नाम लेती है दुनिया मगर उसकी पहली कहानी में हम थे सुनो जब जवानी में हम थे सुनो नौजवान जब जवानी में हम ये शेर बता रखा बस आप सबको आपके कॉलेज के दिनों में ले जा रहा हूँ सर माजद के साथ। हसीनाओं की इज्तिमाई शिकायत हसीनाओं की इज्तिमाई शिकायत बकौल उनके हर छेड़खानी में हम थे हर छेड़खानी में हम थे सुनो नौजवान जब जवानी में हम थे। अब ये शेर आके आपके घर घर तक पहुंचा के रहूंगा इंशाल्लाह याद रहेगा। तुम्हें याद है अच्छा यहाँ बताना ही जरूरी है कि ये कोई जरूरी नहीं कि लड़का ही लड़की पे फिदा हो लड़की भी लड़कों पे फिदा हो बाकी ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे ये शेर तुम्हें याद है कब हुए थे फिदा तुम्हें याद है कब हुए थे फिदा तुम हमें याद है शेरवानी में हम थे दोबारा सुनना है तो जोश के साथ सुनिए मुझे अच्छे से याद कीजिए दोबारा सुनना है सुनाना है दोबारा। तुम्हें याद है कब हुए थे फिदा तुम्हें याद है कब हुए थे फिदा तुम हमें याद है शेरवानी में हम थे सुनो नौजवान जब जवानी में हम थे मक्ता और आपकी जेवर तमाम विजय हमको यूसुफ भी कहती थी दुनिया विजय हमको यूसुफ भी कहती थी दुनिया ज़ुलेखा की हुक्मरानी में हम थे सुनो नौजवान जवानी में हम थे मुसलसल हवा पानी में हम बहुत शुक्रिया बहुत